एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, मेरा नाम है अनामिका एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइज, आज के वीडियो में आपके साथ जो होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो ना सिर्फ आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम को ही दूर करेगा, बल्कि अगर आपको ओपन पोर्स या फिर क्लॉग्ड पोर्स की प्रॉब्लम है तो ये उससे भी आपको छुटकारा दिलाएगा। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमें ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स जैसी प्रॉब्लम होती क्यों है। तो दरअसल होता ये है कि हमारे स्किन में जो छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिनकी मदद से हमारी स्किन ब्रीथ करती है और ऑयल और स्वेट बाहर निकलते हैं, डर्ट ऑयल और डेड स्किन का एक्युमुलेशन हो जाता है तो वो हमारे पोर्स को क्लॉग्ड कर देते हैं, जिससे कि हमें ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स एंड पिंपल जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ईजी और इफेक्टिव होने वाली और आप में से सभी स्किन टाइप वाले इसे यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, आपको ध्यान ये रखना है कि इस रेमेडी को फॉलो करने के बाद आप जो मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे वो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वाले जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर या सिंपली एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं, और ड्राई स्किन वाले क्या करेंगे कि वो अपना कोई थिक मॉइस्चराइजर ही यूज़ करेंगे। दैट्स इट। सो गाइज, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। स्टेप नंबर वन इज क्लींजिंग। तो यहाँ मैंने एक DIY क्लेंजर प्रिपेयर किया है। इसको प्रिपेयर करने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून जितना रॉ मिल्क एक बोल में डाला है और उसमें मैंने ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून जितना हनी। मिल्क और हनी एक नेचुरल क्लेंजर का काम करते हैं। मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो हमारे पोर्स से सारी डर्ट एंड ऑयल को रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मिल्क में नेचुरल एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। साथ ही में मैंने इसमें ऐड किया है हनी, जिससे बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। साथ ही हमारी स्किन को हील भी करता है और हमारी स्किन को हाइड्रेट भी बनाए रखता है। इस DIY क्लेंजर को हम एक कॉटन बॉल की हेल्प से अपने पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे और अपने फेस को क्लीन करेंगे। फेस को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद हम नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लेंगे। इस DIY क्लेंजर को यूज़ करने के बाद ही आप देख पाएंगे कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट एंड सपल हो गई है। स्टेप नंबर 2 इज स्टीमिंग। स्टीमिंग के लिए हम एक बोल में पानी गर्म करेंगे, फिर उसमें एक फेस टॉवल को डिप करके अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, स्पेशली उन एरियाज पे जहाँ हमें ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। स्टीम लेने से हमारे पोर्स ओपन हो जाएंगे, जिससे कि हम अपने पोर्स को अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। स्टीम लेने से हमारे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स भी सॉफ्ट हो जाएंगे, जिससे हम उन्हें आसानी से क्लीन कर पाएंगे। स्टेप नंबर 3 इज स्क्रबिंग। सो DIY स्क्रब प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 टेबल स्पून जितना राइस फ्लावर और 1 टेबल स्पून जितना हनी। साथ ही में मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून जितना कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमें एक थिक कंसिस्टेंसी का ही स्क्रब प्रिपेयर करना है। राइस फ्लावर एक नेचुरल एक्सफोलिएटर का काम करता है। राइस हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये हमारी स्किन से ऑयल, डर्ट एंड डेड स्किन को रिमूव करेगा। राइस फ्लावर आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करेगा। साथ ही में इसमें मैंने ऐड किया है हनी, जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट और सफल बनाएगा, साथ ही आपके पोर्स की डीप क्लिनजिंग भी करेगा। प्लस मैंने इसमें ऐड किया है कोकोनट ऑयल, जो कि हमारे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को रिमूव करेगा ही, साथ में हमें एक इंस्टेंट ग्लो भी प्रोवाइड करेगा। इस स्क्रब को हमें अपने फेस पे 2 से 3 मिनट तक हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करना है, स्पेशली नोज एंड चिन एरिया पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम हमें वहीं होती है। 2 से 3 मिनट के बाद हमें अपने फेस को सादे पानी से वॉश कर लेना है। फेस वॉश करने के बाद हमें एक गीले टॉवल लेना है और उससे अपने नोज एंड चिन एरिया से सारे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को रिमूव कर लेना है। इस स्टेप को फॉलो करने से आपकी स्किन इंस्टेंटली क्लीन और क्लियर हो जाएगी और सारे ब्लैक हेड्स भी रिमूव हो जाएंगे। अब हम प्रिपेयर करेंगे एक स्किन टाइटनिंग मास्क अपने पोर्स को श्रिंक करने के लिए। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून जितना मुल्तानी मिट्टी, 1 टेबल स्पून जितना राइस फ्लावर, थोड़ा सा लेमन जूस और रोज़ वाटर एक पेस्ट बनाने के लिए। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक थिक कंसिस्टेंसी का फेस मास्क प्रिपेयर कर लेना है। इस फेस मास्क को हमें अपने पूरे फेस पे और नेक पे अप्लाई करना है। ये फेस मास्क आपके पोर्स को टाइटन अप करेगा,
मुल्तानी मिट्टी स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगा और हमारे पोर्स को टाइटन अप करेगा। राइस फ्लावर हमारे स्किन को लाइटन अप करेगा और इसमें मैंने ऐड किया है लेमन, जो कि एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट का वर्क करता है, और रोज वाटर, जो कि आपकी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन रखेगा। इस फेस मास्क को 15 मिनट तक अपने फेस पे अप्लाई करना है। उसके बाद हमें ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। इस रेमेडी को आपको वीक में 1 से 2 बार करना है और आप पहले ही यूज में देख पाओगे कि आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएंगे। लास्ट स्टेप इज मॉइस्चराइजिंग। यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल। ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है, इसलिए मैं इसी को यूज़ करती हूँ। हमें इसकी एक थिक लेयर अपने फेस पे अप्लाई कर लेनी है और हल्के हल्के हाथों से फेस को मसाज देना है। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट एंड ग्लोइंग हो गई है। आप देख ही सकते हैं कि मेरा फेस इस टाइम कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइज, अगर आप अपनी स्किन रिलेटेड किसी और प्रॉब्लम पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आपकी वो प्रॉब्लम दूर कर सकूँ। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।